नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो स्पेशली उसका इंडिकेशन है मौत के समय, मृत्यु के समय भी जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस दर्द को भी कम कर देने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मतलब एक ऐसी दवा जो है मृत्यु के समय भी जो है एक आरामदायक, व्यक्ति व्यक्ति अब इस संसार को छोड़ता है तो उस दर्द को भी जो है बहुत ज़्यादा जो दर्द है उसको भी कम कर देने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो मृत्यु के समय होने वाले दर्द में भी जो है आराम दे सकती है, उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है टेरेंटुला क्यूबेंसिस होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ दोस्तों, टेरेंटुला क्यूबेंसिस होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली इन द टॉक्सीमिक कंडीशन। टॉक्सीमिक कंडीशन ऐसी कंडीशन जिनमें बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है सपरेशन यानी पस फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाए, इस प्रकार के डिसीजेस में काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा जो है मैलिग्नेंट सेप्टिक कंडीशन, मैलिग्नेंट सेप्टिक कंडीशंस दोस्तों ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए गैंग्रीन जैसी कंडीशन है और पूरी बॉडी में जो है सेप्टिसीमिया हो रहा है, उसका इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा दर्द शरीर में देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट पूरी तरीके से जो है रेस्टलेस हो जाएगा, उसकी नींद गायब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है टेरेंटुला क्यूबेंसिस। दोस्तों देखने को ये मिलता है कि इस प्रकार का जो है कंडीशन जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, मैलिग्नेंट सपरेशन है, वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन बहुत तेज़ी से जो है फैल जाए और बहुत ज़्यादा जो है दर्द देखने को मिले, बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिले, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशंस में काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है टेरेंटुला क्यूबेंसिस। इसके अलावा ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसा इसमें लिखा है कि उस समय जब ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत पहले प्रूव की गई थी तो बुबोनिक प्लेग जैसी कंडीशन को भी ठीक कर और उसे प्रिवेंट करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर इसे सही समय पर उस समय दे दिया जाता था तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स को जो है इन केसेस में जो है रिज़ल्ट देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन होना, बार बार फोड़े होना, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सपरेटिव कंडीशंस, यानी बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, पेशेंट जो है रेस्टलेस हो जाता है, पूरे तरीके से जो है थक जाता है, तो इस प्रकार की सीवियर कंडीशन में काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है टेरेंटुला क्यूबेंसिस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी लगातार आपको मिलते रहे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो होम्योपैथी के प्रति अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।